बिग बॉस के घर में जब तक कंटेस्टेंट्स आपस में ना भूलें तो जैसे उनका खाना हजम नहीं होता है। बिग बॉस के हर सीजन में कोई ना कोई कंटेस्टेंट बात बात पर गाली गलौज और मारने की धमकी दे डालता है। इस सीजन में भी सभी एक से बढ़कर एक हैं। इन कंटेस्टेंट्स में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी भी है। शुरू शुरू में सपना बिल्कुल शांत और चुप रहती थी, पर बिग बॉस के घर कोई ज्यादा देर तक चुप रहे भी तो भला कैसे। ऐसा ही कुछ सपना चौधरी के साथ भी हुआ। अब सपना बात बात पर घर वालों को चप्पल से मारने की धमकी दे डालती हैं। हाल ही में सपना ने अर्शी, पुनीश और बंदगी को चप्पल से मारने की धमकी दी। आप भी हैरान हो रहे होंगे, तो चलिए आपको बताते हैं कि सपना ने किस वजह से उन्हें चप्पल से मारने की धमकी दी। दरअसल सलमान खान सपना से बंदगी और पुनीश के रिश्ते के बारे में उनकी राय जानना चाहते थे। सपना ने सबके सामने बोल दिया कि बंदगी पुनीश का इस्तेमाल कर रही है। बस ये बात पुनीश और बंदगी को बुरी लग गई। पुनीश, बंदगी और अर्शी इसी बात की वजह से सपना को नॉमिनेट करने की प्लानिंग करने लगे। सपना को इस बात की भनक लगी तो सपना ने गुस्से में चप्पल उठा ली। सपना हिना और ज्योति के सामने ये कहती नजर आई कि वो उन तीनों को तब तक पीटना चाहती हैं जब तक चप्पल टूट ना जाए। वेल, इससे पता चलता है कि बिग बॉस के घर की असलियत क्या है। बहरहाल फिलहाल तो ऐसा लगता है कि इन बनते बिगड़ते रिश्तों को ऑडियंस भी खूब एंजॉय कर रही है। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूले।